एक सामान्य मनुष्य 3 मिनट तक बिना हवा के रह सकता है, 3 दिन तक बिना पानी पिए सरवाइव कर सकता है और 3 हफ्ते तक बिना खाना खाए सरवाइव कर सकता है। लेकिन यदि इस सीमा से ऊपर किसी सामान्य मनुष्य पर दबाव दिया जाएगा तो उसके जीवन और मरण की एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी संदर्भ में वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि भारत के अंदर हीट वेव यानी कि ग्रीष्म लहर आने वाले समय में इतनी इंटेंसिटी के साथ हो सकती है कि सामान्य मनुष्यों कि शायद लिमिट से वो ज्यादा होगी, हम शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आइए आज की वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस वे टेस्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में बहुत सारे डाटा के माध्यम से, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो रिपोर्ट्स रिलीज की गई हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्लाइमेट चेंज वास्तव में भारत के लिए एक दुःस्वप्न की तरह सामने आ रहा है। शुरुआत करते हैं वीडियो। इंडिया could soon experience heat wave that break human survivability लिमिट, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम अगर हम समझें तो दरअसल आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का टाइटल ही था क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। अगर हीट वेव के इंसिडेंस बढ़ेंगे, और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ग्रीष्म लहर की वजह से जो मौत हो रही है भारत में, उसका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो भारत के अंदर जो कूलिंग सेक्टर है वो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी भी पेश करता है। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन भारत की 2/3 जनता $2 से भी कम पर अपना जीवन गुजारती है। जबकि अगर एक एस्टिमेट की बात करें तो अगर यहाँ पर हम एयर कंडीशनर यूनिट्स की बात करें तो $500 तक का उसका खर्चा जा सकता है। तो जो लोग पहले से ही गरीब हैं उनके ऊपर इस ग्रीष्म लहर की और ज्यादा मार पड़ेगी। इसलिए डाटा में निकल कर भी आया था कि 35 से 40 उम्र के जो मेल पर्सन है उनके अंदर ज्यादा ये टेंडेंसी देखी गई है कि वो हीट वेव से प्रताड़ित होकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये भी देखिए पैट्रियार्कल सिस्टम का एक आप कह सकते हैं नुकसान है जो यहाँ पर एक मेल पर्सन को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उसको बाहर जाके कमाना है अपनी फैमिली के लिए, और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा माफ कीजिएगा, और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोगों के पास ये लग्जरी नहीं है कि वो एयर कंडीशनर ऑफिस में बैठकर काम करते हों। समझते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि जो हाई टेम्परेचर वाला एक समय है वो आ भी जल्दी जाता है और देर तक ठहरता भी है। हम गर्मी को बहुत लंबे टाइम तक जो है अनुभव करते हैं, सर्दियों के टाइम लिमिट कम हो गई जिसको हम खुद भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट जो रिलीज हुई थी, दरअसल एक 2-डे मीट हुई थी, इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट, जो कि वर्ल्ड बैंक ने केरला गवर्नमेंट के साथ जो है कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज कराई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 22 जून 2022 को, जहां पर भारत के इस बदलते हुए सिनारियो के प्रति एक डाटा दिया गया था। इसमें यह बताया गया था भारत के अंदर 16 राज्यों के अंदर 280 ग्रीष्म लहर वाले दिन इस बार रिकॉर्ड किए गए थे, और ये पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा थे। इसके बाद सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हीट वेव, ये जो ग्रीष्म लहर है, ये होता क्या है। तो देखिए, हीट वेव यानी कि ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की एक आप कह सकते हैं स्थिति है, जिसमें तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर से काफी ज्यादा रहता है। यहाँ पर कई बार एक्सेसिव हीट तो होती ही है, जो एक्सेसिव ह्यूमिडिटी है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, और ये स्थिति अगर 2 दिनों से अधिक समय तक बनी रहे तो सामान्यतः माना जाता है कि ग्रीष्म लहर की एक स्थिति आ गई है। हालांकि जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने सर्टेन डेफिनेशन हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए दी है। यहाँ पर दरअसल आप देखिए, मई 2022 का एक डाटा था
जिसमें आप देखेंगे कि सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र छोड़ दे और अगर जम्मू कश्मीर वाला रीजन छोड़ दे तो पूरे भारत के अंदर टेम्परेचर की एक स्पाइक आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे इस स्केल पर आप डार्क रेड कलर की तरफ जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप लगभग 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुके हैं। 100+ फॉरेनहाइट टेम्परेचर की यहाँ पर बात हो रही है। ये पिक्चर, ये मैप ही हमें दिखा देता है कि स्थिति थोड़ी सी भयावह नहीं, ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अगर हम 2000 के बाद से 10 सालों का एक रिकॉर्ड निकालें तो भारत के अंदर 2022 की गर्मियां अब तक की सबसे ज्यादा गर्म थी। अगस्त 2021 में आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी, 6th असेसमेंट रिपोर्ट। उन्होंने ये कहा था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके अंदर मोर फ्रिक्वेंट और इंटेंस हीट वेव जो है आने वाले दशक में हमें दिखाई देंगी। ज़्यादा तीव्र, ज़्यादा गंभीर और जल्दी जल्दी आने वाली ग्रीष्म लहर हमें आने वाले 10 सालों में फेस करनी पड़ेगी। 28 अप्रैल 2022 को एक्वा वेदर का एक एडिटोरियल आया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंटेंस हीट वेव के अंदर भारत है और फिलहाल ये पूरी अर्थ पर एक हॉटेस्ट प्लेस के रूप में है। अप्रैल बहुत ज़्यादा सीवियर गर्मी लेकर जो है इस बार आया था। अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में हमें 28 जो है हीट वेव स्पाइक्स देखने को मिले थे। इसके बाद आप देखेंगे तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली की बारी आती है। और देखिए, ये जो हीट वेव्स हैं, ना सिर्फ ये हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, बल्कि हमारे जीडीपी पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर इसका पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर भारत की वर्कफोर्स की बात करें तो 75% हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि संख्या में 380 मिलियन जो लोग हैं, वो दरअसल हीट एक्सपोज्ड लेबर करने के लिए मजबूर हैं। उनकी आजीविका ही ऐसी है कि उनको बाहर जाके काम करना पड़ता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी शरीर सहन कर पा रहा है तो आने वाले समय के लिए अलार्म रेज हो चुका है कि शायद हमारी सहन क्षमता जो है उससे ऊपर ये चला जाएगा। अब हीट वेव की स्पाइक्स कैसे बढ़ रही हैं, अगर हम बात करें 2010 से लेकर 2022 की, तो डाटा आपको दिखेगा 2010 में काफी था, चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हुई। 2019 से लेकर 22 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 19 में कोविड हमें जो है एक पूरा का पूरा देखने को मिला था। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो आपको हीट वेव के दिन भी कम देखने को मिलेंगे। रीजन, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो पर्यावरण पर गलत असर डालती थी वो बंद हो गई थी, इसीलिए दिन भी क्या है, हीट वेव वाले कम हो गए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, जैसे ही हम लोग बाहर आए, इकोनॉमी रिकवरी की तरफ चली, फिर से देखिए अपना असर जो है उसका देखना शुरू हो गया। तो डाटा कभी भी झूठ नहीं बोलता, जो डाटा है वो हमेशा सच सामने रखता है। इसके अलावा एक ग्लोबल जो है मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, एमसी किसनी एंड कंपनी, उन्होंने बोला था कि बेसिकली इस हीट वेव की वजह से, जो ये बढ़ती हुई गर्मी है, ये जो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से बहुत सारे लेबर हम खोते जा रहे हैं। इंडिया की जीडीपी का 4.5% लगभग हम खो रहे हैं, और ये अगर पैसों की बात करें तो 150 से 250 बिलियन डॉलर जो है रिस्क पर है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि बाहर की रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं, आप देखेंगे तो आईआईटी गांधीनगर के रिसर्चर्स जो थे उन्होंने भी एक स्टडी की थी और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में भारत के अंदर ग्रीष्म लहर, बाढ़, ऐसे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे और ये रिजल्ट हैं क्लाइमेट चेंज का। इस तरह की पिक्चर्स बहुत सामान्य हैं दिल्ली में अगर गर्मी के टाइम पे देखा जाए। और फिर मुद्दा आता है कि कैसे पर्यावरण आपकी सोसाइटी के टॉपिक से जुड़ सकता है। रूटर्स का एक आर्टिकल आया था मई 2020 में, जहाँ पे ये बताया गया था कि भारत के अंदर ये जो ग्रीष्म लहर है ना, इसके जलने का सबसे ज्यादा बर्न्ड जो सहन कर रहे हैं वो पुअर प्यूपल है। अगर हम बात करें
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने बेसिकली एक क्या है स्टडी की थी 2021 में, जहां पर ये बताया था 1970 से लेकर 2019 के बीच में 17,000 लोगों ने इस ग्रीष्म लहर की वजह से अपनी जान गंवा दी थी, यहाँ पर लोग मर रहे हैं। इसके अलावा देखिए इन जो ये ज्यादातर लोगों की डेथ हुई है ना, इसमें से 30 से 45 की उम्र वाले लोग सबसे ज्यादा थे, वो भी मेन ज्यादा थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो वर्किंग क्लास है, ये ब्लू कॉलर वर्क करने वाला वर्किंग क्लास है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस बढ़ती हुई गर्मी में काम करने के अलावा। इसके अलावा 1992 से लेकर 2015 का एक डाटा देखेंगे तो हर साल हीट वेव की वजह से कितनी डेथ हुई है, कितना मॉर्टेलिटी एक रेट देखने को मिलता है, तो आप समझ पाएंगे कि ये देखिए कितना इंक्रीज हुआ है। 2422 था 2015 में, और जब कभी 22 का लेटेस्ट डाटा आएगा तब शायद वो और भी ज्यादा शॉकिंग होगा। अब देखिए 2021 में एक G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस आया था, जिसने अगेन भारत को वार्न किया था कि देखिए 2036 से लेकर 65 तक आपको 25 गुना ज्यादा जो है हीट वेव्स झेलने पड़ेंगे अगर कार्बन एमिशन इसी तरह हाई रहा तो। इसीलिए कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, लेकिन उसकी वजह से जो पर्यावरण में हुआ है उसका बर्न किसको झेलना पड़ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को, राइट। फिर यहाँ पर देखिए, और भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पे अनबियरेबल हीट थी मार्च के अंदर। दरअसल ये जो महीना था ना, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 1880 के बाद पांचवा सबसे गर्म दिन था ग्लोबली अगर हम बात करें। इसके अलावा हीट वेव ना लोगों की मृत्यु का कारण बन रही है, जीडीपी लॉस हो रहा है, बल्कि बाकी जो लोग अगर सहन कर भी ले रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे फूड सिक्योरिटी को इससे प्रॉब्लम हो रही है, वैक्सीन्स जो आप सेफ रखते हैं कोल्ड टेम्परेचर में उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इंडिया में तो अगर देखा जाए तो जो कोल्ड चेन का नेटवर्क है वो ऑलरेडी क्या है काफ़ी ज़्यादा कम है। इंडिया को पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर्स का कोल्ड चेन का एक नेटवर्क चाहिए होगा, जिसके लिए हमें बहुत हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब देखिएगा थोड़ा सा भी टेम्परेचर लैप्स होता है ना, तो बेसिकली किसी भी वैक्सीन की जो पोटेंसी होती है वो वीक हो सकती है, वैक्सीन की प्रभावशीलता कम हो सकती है, या फिर वैक्सीन खराब भी हो सकती है। फिर आप देखेंगे केवल 4% जो भारत के अंदर फ्रेश प्रोड्यूस है उसको कोल्ड चेन फैसिलिटीज के द्वारा कवर किया जाता है, बाकी सारा वेस्ट होता है। और ये जो वेस्ट है ये लगभग $13 बिलियन का है, इतने से हम पता नहीं कितने लोगों का पेट भर सकते हैं, कितने लोग हमारे यहाँ भूखे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी बुरी आई थी, राइट। इसके अलावा यहाँ देखिए कूलिंग की जब डिमांड बढ़ेगी तो ऐसा देश जिसकी 2/3 जनता अपने दैनिक खर्चे नहीं पूरे कर पाती है तो वे एयर कंडीशनर यूनिट्स की अरेंजमेंट कैसे करेगी। और एक एनालिसिस आया था द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के अंदर, जिसमें ये बताया गया था कि केवल 4% भारत के लोग ऐसे हैं जिनके पास एयर कंडीशनिंग यूनिट है। यहाँ पर अब एयर कंडीशनिंग लग्जरी नहीं रह जाएगी, ये जीवन की एक आवश्यकता बन जाएगी। और अगर इतनी सारी रिपोर्ट्स, इतने सारे डाटा के साथ सेम बात कह रही हूँ तो कुछ तो सच्चाई है, और सच्चाई हम अनुभव भी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ सरकार क्या कर रही है ये नहीं सोचना है, हमें ये भी सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। That's all from my side. Thank you so much. और please comment section में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए सुपर कोचिंग IAS पर टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।